नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार डिफेंस एकेडमी क्लासेस में। तो चलिए हम आगे आज का नई क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में कि गूंज या नाद के आधार पर, मतलब गूंजने और आवाज के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम परिचर्चा करेंगे सघोष वर्णों के बारे में, अघोष वर्णों के बारे में, अल्प प्राण के बारे में एवं महाप्राण वर्ण के बारे में, क्योंकि ये संधि की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ इनसे डायरेक्ट परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, बच्चों, अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लेक्चर तो हो ही रहा है अपना। तो सबसे पहले इसमें जो हेडिंग होगा अपना, वह क्या होगा कि गूंज या आवाज। आवाज का एक और अर्थ क्या होता है, नाद। के आधार पर वर्णों के भेद, देखो गूंज या आवाज, नाद के आधार पर जो ये वर्ण होते हैं यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो वर्ण इसमें आता है मुख्य रूप से, वह क्या होता है, सघोष वर्ण। आप सभी ने नाम भी सुना होगा सघोष वर्ण। और दूसरा इसमें जो मुख्य नाम होता है वह क्या होते हैं, इसमें अघोष वर्ण। डायरेक्ट ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सघोष एवं अघोष वर्ण किसे कहते हैं, इन वर्णों की संख्या कितनी कितनी होती है, कौन सा वर्ण सघोष है, कौन सा अघोष है, इत्यादि तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में बहुत बार। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछता है कई बार तो वो। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं सघोष वर्णों के बारे में। सघोष मतलब क्या होता है, सा मतलब क्या होता है, सहित, और घोष मतलब क्या हो जाएगा, आवाज या फिर गूंज। आवाज या फिर गूंज। तो कहने का मतलब क्या होता है, हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर गूंज या आवाज पैदा होती हो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। और इसके विपरीत जिनका उच्चारण करने पर गूंज या आवाज पैदा नहीं होती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। तो पहले मैं सघोष के बारे में बता देता हूं, अघोष को अपन उसके बाद परिचर्चा कर लेंगे। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, आवाज सहित जिनमें मतलब गूंज पैदा होती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, सघोष कहते हैं। अब जो सघोष वर्ण होते हैं इनकी जो संख्या होती है उसको अपन ऐसे जानेंगे, तीन, चार, पांच। स्वर या र, ल, व, हा। आप सभी लोग एक बात जरा रिमाइंड कीजिए, जब मैंने आपको स्पर्शी व्यंजन पढ़ाए थे तो उस समय मैंने ऐसा नंबर ऊपर लिखवाया था स्पर्शी व्यंजनों में। तो स्पर्शी व्यंजनों में जो थर्ड वाला होगा, क, ख, ग वाला होगा, ये ग, घ, इंगा, उसके बाद हो जाएगा, मैं एक बार इसको ले लूं, क, च, ट, तप, च, च, छ, ज। ज, वा, ट, ढ, अणा, ता, था, ध, ना, प, फ, ब, भ और मा। तो इस प्रकार से तो ये संख्या कितनी हो जाती है अपनी, यहां से लेके यहां तक कितने वर्ण आते हैं, एक उसमें कितने दिए, पांच, तो ये टोटल कितने जाएंगे अपने, ये 15। तो जो तीसरे स्थान पर होते हैं, जो चतुर्थ स्थान पर होते हैं और जो पंचम स्थान पर होते हैं स्पर्शी व्यंजनों में, उन सभी वर्णों को अपन क्या कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। प्लस स्वर, स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में, 11। प्लस ये लोग कितने हैं, य, र, ल, व, ये टोटल कितने हो गए, पांच। टोटल यदि काउंट करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 30 और 1, 31। तो ये टोटल क्या हुआ अपने, सघोष वर्ण।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। ये लिखना आप इसको ट्रिक, सगुण से वर्णों को याद करने के लिए 3 4 5 स्वर यर लव है, ऐसे करके इसको आप याद कर सकते हो। नहीं तो वैसे आप एक एक करके याद करोगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। कोड से यदि आप इसको याद कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ये इसका कोड है इसको याद करने के लिए कि कुल वर्ण कितने होते हैं अपने शब्दकोश में, 31 होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका, आप अच्छे से ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर आगे पढ़ते हैं हम अघोष के बारे में। ठीक है, फटाक से ले लीजिएगा। तो मैं इसको करता हूं रफ, सेकंड वाला पढ़ते हैं अपन अघोष वाला। सेकंड जो इसमें होगा वह क्या होगा, अघोष। देखो इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि यदि आप इनको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हिंदी वर्णमाला की जो संधि होती है व्यंजन संधि, उसे आप किसी भी हाल में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके यदि प्रश्न आएंगे तो उनको आप किसी भी हाल में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कितने ही आप ट्रिक यूज कर लो, इनके बिना वह असंभव है। ठीक है, स्वर संधि आप कर लोगे लेकिन जो व्यंजन संधि होगी उसके प्रश्न इसके बिना नहीं बन पाएंगे। तो इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन से वर्ण सघोष होते हैं और कौन से वर्ण क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो आ मतलब क्या होता है, बिना, और अघोष मतलब क्या होता है, गूंज के। तो बिना गूंज के, बिना गूंज या आवाज के, कहने का तात्पर्य क्या होगा यहाँ पे बच्चों, कि ऐसे स्वर जिनका यदि अपन उच्चारण करते हैं और उनमें गूंज पैदा नहीं होती है तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्णों के लिए जो ट्रिक है, इसको याद करने के लिए जो मैंने ट्रिक इसमें जो बनाई है वह क्या है, एक दो, देखो अभी हमने जब सघोष को पढ़ा था तो उसमें मैंने लिखा था 3 4 5, तो बचे कितने, एक और दो बचे, तो एक दो यहाँ पे क्या जाएंगे, तीनों शा, स स और एक और ये सा, हा को मत जोड़ देना गलत हो जाएगा। तो इनको ये इसकी ट्रिक हो गई काउंट करना। इसमें क्या है, क ख, इधर च छ, त थ, और इसका क्या है, सॉरी ये टाठा आएगा, ट थ प फ। तो ये कितने काउंट करेंगे, कितने जाएंगे 10 प्लस ये कितने जाएंगे 3, टोटल कितने जाएंगे 13, ये क्या जाएंगे अपने अघोष वर्ण। थोड़ी देर पहले मैंने आपको सघोष के बारे में बताया था, सघोष की संख्या कितनी होती है, इसकी अपोजिट होती है। सघोष मैंने बताया था सघोष के बारे में तो कितने थे, 31। तो 31 का अपोजिट कर देना 13 13 कर देना, तो क्या हो जाएंगे वो, अघोष वर्णों की संख्या। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, इसमें गूंज या आवाज के आधार पर वर्णों के भेद के बारे में पढ़ा, जिसमें होते हैं एक सघोष और एक क्या होते हैं, अघोष के बारे में। ठीक है, तो आप आज के लिए बच्चों इतना ही, क्योंकि ये भी कम नहीं है अपन को पढ़ने के लिए, थोड़ा थोड़ा करके भी आप पढ़ोगे तो उतने में भी आप बहुत कुछ सीख जाओगे धीरे धीरे करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए पढ़ने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को जो भी इसमें प्लेलिस्ट में वीडियो है वो मेरे नाम से आपको उसमें मिल जाएंगी, हिंदी की सारी वीडियो आप उसमें देख लेना। और उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर सुरक्षित होंगे। थैंक यू बच्चों, आप सभी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।